आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन की नालागढ़ इकाई ने मांगों को लेकर नालागढ़ में आक्रोश रैली निकाली। यूनियन ने नायब तहसीलदार के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मांग न मानने पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रैली को संबोधित करते हुए इकाई की प्रधान निर्मल कौर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार आंगनबाड़ी वर्करों की मांगों की अनदेखी कर रही है। 45वें और 46वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा रहा। सरकार ने प्री प्राइमरी नियुक्तियों से आंगनबाड़ी कर्मियों को बाहर कर दिया है, जबकि वर्तमान में 6 साल के कम आयु के बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी वर्करों को ग्रेजुटी और अन्य सुविधा बहाल नहीं की गई। उन्होंने स्नातक की वरिष्ठता के आधार पर सुपरवाइजर के पदों की भरने की मांग की गई। नायब तहसीलदार IG शर्मा ने बताया कि उन्हें ज्ञापन मिला है, जिसे आगामी कार्यवाही के लिए संबंधित मंच पर भेज दिया जाएगा। नमस्कार जी, मैं संतोष कुमारी, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की उप प्रधान हूँ नालागढ़ प्रोजेक्ट से, और मैं जिला की भी सेक्रेटरी हूँ। और आज जो हमारी मतलब प्रदर्शन है, ये हमारी जो है, हमें हमारी डिमांड थी केंद्र मतलब सेंटर राज्य सरकार से कि हमें जो फ्री नर्सरी के टीचर रखे गए उसमें हमें 100% कोटा दिया जाए। हमारे मांगने के बावजूद भी सरकार ने हमें 35% कोटा दिया था, पर लेकिन फिलहाल में हमें उससे भी बाहर कर दिया, हमारा जो कोटा है 0% कर दिया, क्योंकि जो हमारी वर्कर है वो काफ़ी प्रशिक्षित है और वो चाइल्डहुड के बारे में पहले से ही सारा कुछ उसको आता है। तो हमारी जो मेन मांग है वो यही है कि हमें आंगनवाड़ी जो केंद्र है उसको ही हमारे को मतलब फ्री नर्सरी का दर्जा दिया जाए, ताकि हमारी जॉब भी सेफ रहे और बच्चों का भी, जो बच्चे 2 किलोमीटर या किलोमीटर मतलब गांव से जाएंगे उनके लिए भी मतलब ये है कि आंगनबाड़ी जो है गांव में ही है, उनको भी इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, वहां बच्चों की भी सेफ्टी रहेगी। दूसरी बात है जी, जो हमारी आंगनबाड़ी है वो बिल्कुल जब सरकार ने फ्री नर्सरी स्कूलों में शुरू कर दिया, हमारे आंगनबाड़ी सेंटर बिल्कुल खाली हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास 3 साल से ऊपर हमने जो मतलब फ्री स्कूल एजुकेशन है वो देनी है, उसको ही हमने वहाँ बिठाना है, और 3 साल का बच्चा हमारे पास बहुत कम है, 2 है, किसी पास 4 है, मतलब 5 से जा तो किसी पास नहीं है। अगर वो 2 साल हमारी जो मतलब उम्र बच्चों की वो कर दे आंगनबाड़ी में बिठाने की, तो अनुमति दी जाए ताकि वो आंगनबाड़ी में बैठ जाएं और हमारे पास हमारी जो आंगनबाड़ी वर्कर की नौकरी हेल्पर की है वो सेफ रहे, क्योंकि अगर 5-7 बच्चे रहेंगे तभी आंगनबाड़ी की जो है वो लंबे समय तक चली जा सकती है। निर्मल कौर जी, मैं आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की प्रधान प्रोजेक्ट नालागढ़ से हूँ। हम विभिन्न मांगों को लेकर ये मांग पत्र SDM साहब के माध्यम से श्री जयराम ठाकुर जी को भेजना चाहते हैं। हमारी मांगे हैं, प्री प्राइमरी नियुक्ति के लिए आंगनवाड़ी वर्करों को हमने 100% कोटा मांगा था, लेकिन सरकार ने हाल ही में हमें बिल्कुल उस कोटे से बाहर कर दिया। उस जो उन्होंने फैसला लिया है, उस फैसले को वापस लें और हमारे आंगनवाड़ी सेंटरों को ही प्री प्राइमरी का दर्जा दिया जाए और हमारी कार्यकर्ताओं को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री प्राइमरी के लिए टीचर नियुक्त किया जाए। आंगनवाड़ी कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ग्रेजुटी और सुविधाएं लागू की जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पोषण ट्रैकर जो ऐप चली है आंगनवाड़ी, सभी कार्यकर्ताओं को उनका जो राशि बनती है दी जाए। केंद्र सरकार द्वारा DVT योजना पर रोक लगाई जाए। नमस्कार, मैं इंद्रदेव शर्मा, नायब तहसीलदार नालागढ़। आज 10/10/2022 को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नालागढ़ अपना एक ज्ञापन लेकर माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी के लिए जो संबोधित है अपनी मांगों को लेकर के आए, जो मैंने उनसे ग्रहण किया। मैं इस ज्ञापन को अपने उच्च अधिकारियों के माध्यम से तुरंत माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को भेजूंगा और इस पर की गई कार्रवाई से मैंने उनको आश्वासन दिया कि आपको तुरंत इस पर की गई कार्रवाई से अवगत करा दिया जाएगा। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।